अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस खातून ने अनिरुद्ध आचार्य से कहा कि मैं जब रोज सुबह उठती हूं तो मेरे सामने एक परेशानी खड़ी होती है। इस खातून की शादी 2016 में हुई और ये खातून अपने शोहर के साथ 2 महीने भी ना रह सकी और इसे घर से निकाल दिया गया। इस खातून का ये भी कहना था कि मुझे अब ये भी नहीं पता कि मेरा शोहर जिंदा भी है या नहीं। अनिरुद्ध आचार्य ने इस खातून को क्या कहा और डॉक्टर जाकिर नायक ने इस हवाले से क्या बयान दिया है, आइए इन्हीं की जबानी सुनते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी, मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरु जी, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरु जी, रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए? जी मैया, क्या हुआ ये बच्ची? कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में गो हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक महा रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ की है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैस की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैस या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेस मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पाएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 107 जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर ये है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो, फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से, मतलब आर्बिटर हकम के आर्बिटर को हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो, उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। ये तलाक के आसन है तो बिल्कुल सही तरीका है, तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। दोस्तों, हिंदुस्तान में ये मसला हिंदू लोगों के साथ अक्सर पेश आ रहा है और अक्सर ख्वातीन ये सवाल उठा रही होती है कि मैं अपने शोहर से बड़ी तंग हूँ, वो मुझे मारते हैं या उसने मुझे घर से निकाल दिया है। और अक्सर ख्वातीन ये भी कहती है कि मेरा शोहर मेरे साथ सही से पेश नहीं आता, मेरा शोहर मेरे साथ सही से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। जो भी खातून ये सवाल उठाती है वो खातून यही कहती है कि मेरा शोहर शराबी है या किसी बड़े नशे में मुबतला है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग शराब पीने के आदि बन चुके हैं मगर वहाँ की गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं उठा रही। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शराब पीना सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं है बल्कि हर मजहब में शराब पीना हराम है, मगर फिर भी लोग शराब पीते हैं और उनके साथ वो कुछ होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। शराब पीना एक बहुत ही बड़ी गुनाह है और शराब पीने से हर बड़ी गुनाह होती है। शराब पीने वाले को बहुत ही सख्त सज़ा दी जाएगी। जो इंसान भी शराब पीता है वो इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उस हर इंसान से बड़ी गुनाह होती है जो शराब पीता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।